नूरा फतेही के साथ फेक वीडियो वायरल होने पर अब आया है टेरेंस लुइस का लंबा चौड़ा जवाब। टेरेंस लुइस और नूरा फतेही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने टेरेंस पर नूरा को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। टेरेंस ने इस मामले पर एक पोस्ट किया था, हालांकि उसमें इस मुद्दे पर डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान टेरेंस ने इस मामले पर खुलकर बात की। टेरेंस ने एक इंटरव्यू में बातचीत की, उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने फैसला किया था कि उस वीडियो को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह साफ समझ आ रहा था कि वीडियो को एडिट किया गया था। लेकिन जब ट्रोलर्स ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्होंने फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। टेरेंस ने आगे कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? शुक्र है मेरे पूरे जीवन में मेरे साथ काम करने वाली फीमेल कलीग से मुझे पर्याप्त प्यार और ध्यान मिला है। मैं नूरा फतेही का बहुत सम्मान करता हूँ। इस तरह की बात केवल 17 साल का व्यक्ति कर सकता है और मेरी उम्र 45 साल है। कोरियोग्राफर टेरेंस ने उस वीडियो के पीछे की स्टोरी बताते हुए कहा, जब जज शत्रुघ्न सिन्हा को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे क्योंकि वो इंडियाज बेस्ट डांसर के स्पेशल गेस्ट बनकर आए थे, उस वक्त आसपास 4 कैमरे थे। मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि यहाँ इतने कैमरे हैं और आपको लगता है कि नूरा और मैं इस तरह की बात के बाद एक्सप्रेशन लेस हो जाएंगे? कोई भी महिला इस पर तुरंत रिएक्ट करेगी, वो बहुत अच्छी हैं और सोशल मीडिया से इसे तुरंत हटा दिया गया। नूरा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, शुक्रिया टेरेंस। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर वीडियो मॉर्फ किया जा रहा है और मीम के लिए फोटोशॉप इफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे खुशी है आपने खुद को परेशान नहीं होने दिया। ये वक्त भी बीत जाएगा।